ओ अबे साले तभी थोड़ा गुस्से में लग। हाँ, मतलब इस जगह के बारे में तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है, टूरिस्ट भी रहते हैं तुमको इन। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए है जो कुछ नया देखना चाहते हैं और धर्मशाला आ रहे घूमने, और वो गुस्से से देख रहा है। अबे पेल नंबर देता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ मैकलो। तो चलते हैं अभी और मैकलो घूम के आते हैं, और मेरे साथ होगा मेरा एक फ्रेंड अनिल। पहले अनिल को लेना है साथ में और फिर चलते हैं आगे। मिलते फिर अगले वीडियो में। फ्रेंड आ रहा है अनिल। या ओके, और अभी हम जा रहे हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं एजुकेशन बोर्ड, यू कैन सी। या अभी हमको जाना बहुत सीधा स्ट्रेट। ये है मैक्सिमस मॉल, धर्मशाला का काफ़ी फेमस जगह है। और ये कतवाली बाज़ार यहाँ से शुरू होता है। काफ़ी अच्छी शॉप है कपड़ों की, बॉम्बे फैशन जो है। ये काफ़ी अच्छा सामान होता है इनका, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं काफ़ी। और ये है कतवाली बाज़ार का ट्रैफिक यहाँ पे। कैंट आर्मी एरिया है ये पूरा। और एक बात तो माननी पड़ेगी, जो एरिया आर्मी कैंट होता है वो बिल्कुल साफ होता है हमेशा। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम पहुंचने वाले हैं चर्च, और बढ़िया है, एकदम अच्छी जगह है। क्रिसमस के टाइम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ पे पूरा ट्रैफिक होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है क्रिसमस के टाइम, चलने को जगह नहीं होती यहाँ पे। और न्यू ईयर को तो भाई लोग ऐसा कि यहाँ पे तो गाड़ी लेके आओ मत, क्योंकि यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है न्यू ईयर को कि गाड़ियाँ आपकी कतवाली से ही लग जाता ट्रैफिक। तो सोच लो आपकी कतवाली बाज़ार यहाँ से कम भी होगा 6-7 किलोमीटर है। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, ये है चर्च। पुलिस यहाँ पहले से रहती है, ठीक है, सेफ्टी के लिए। ये है टैक्सी स्टैंड आगे, और यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ से एक रास्ता जाता है आगे पिंक हाउस के लिए। वो मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, वो भी जगह अच्छी है। वो आगे से लेफ्ट अपर को, बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे। अभी मैं लेके जा रहा हूँ आपको पिंक हाउस। दोस्तों, वो अलग सी जगह एकदम, आपने शायद ही किसी को पता होगा इस चीज़ के बारे में। आपने पिंक हाउस नहीं देखा तो क्या देखा फिर, है ना। ये ना मतलब आपने देख लिया चीज़ ऐसी होनी चाहिए ना, मतलब देखने का मज़ा आता है। चलो फिर आपको ऐसी जगह ले चलते हम। तो फ्रेंड्स, बाइक लगेगी मेरी यहाँ पे, यहीं पे लगानी पड़ेगी बाइक। हाँ, ये ऐसी लगेगी दोस्तों, यहाँ लगेगी बाइक। और ये क्या रास्ता अनिल, आई थिंक यार ये सड़क तो नहीं गई देखो ऊपर, है ना। तो चलो दोस्तों, ब्रो दोस्तों, उस वीडियो में आपको इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा। अनिल मेरा भाई, एथलीट बन गया तू तो भाई। इस बाइक पे बैठने का डर भी लग रहा है। डर लग रहा है, ऊंची बड़ी है यार ये बाइक। बड़का मेरा भाई, ये तो छोटी है, आरसी वगैरह तो और ऊंची है, R15 वगैरह। हाँ, वो इससे ज्यादा ऊंची है, सोच ले या। तो दोस्तों, अभी बस हम पहुंचने वाले हैं। देखो आप कितना खतरनाक है रोड यहाँ पे, वाह। यहाँ से यहाँ चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ग्राउंड सा आता है, ग्राउंड रास्ते ब्लैंक हो गए। हाँ, रास्ते, यस। और वाटरफॉल उस तरफ है। और फ्रेंड्स, अभी सड़कें जो काफ़ी नीचे रह चुकी है, जो मेन जो पाक्सू चौक है वो नीचे है काफ़ी। और हम आ चुके हैं इस लोकेशन में,
ये काफ़ी ऊपर है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत ही कम जो टूरिस्ट है वो आते हैं यहाँ पे, क्योंकि पहुँच नहीं पाते, उनको इतना पता नहीं होता। ठीक है, तो ये वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए है जो कुछ नया देखना चाहते हैं और धर्मशाला आ रहे घूमने और मैकलो, और मैकलो में वो चाहते हैं कुछ अलग सा फील लें, एकदम अलग सा बिल्कुल। तो ये उनके लिए का ये वीडियो देखो आप। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सड़क जो मैक्सिमम ख़त्म है, ये पूरा कच्चा रोड है फिर आगे को। और ये है लोकेशन, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। और चलते हैं दोस्तों आगे और आपको दिखाते हैं और अच्छी सी अच्छा व्यू। चलते हैं नीचे, पूछते हैं यहाँ पे क्या क्या है, होटल्स वगैरह अगर कोई आता है बाहर से घूमने फिरने तो। भाई ये है दुकान, ये पिंक हाउस है। पिंक हाउस ना इस जगह का क्या, इस दस जगह का ना क्या, ये जगह ऊपर है। अच्छा अच्छा, हाँ यही है, हाँ यही है पिंक हाउस। ये होटल वगैरह है, इसको बुक करते हैं, होटल वगैरह ये होटल वगैरह ये नहीं को कमरे देते हैं। अच्छा रूम्स का देते हैं। अच्छा, और कितना प्राइस वगैरह होगा इसका, अभी बंद होगा। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं भागसू से थोड़ा ऊपर है ये जगह। फ्रेंड्स अभी हम आपको दिखाएंगे बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस यहाँ पे, जैसे ये देखो सामने दोस्तों, ये है पिंक हाउस, ये काफ़ी फेमस है। ये रूम्स वगैरह मिलते हैं ऐसे टूरिस्ट वगैरह आते हैं बाहर से, इनको और रूम वगैरह लेना हो रहना हो यहाँ पे तो, और फॉरनर्स वगैरह भी यहाँ पे स्टे करते हैं। और इस तरह की है लोकेशन यहाँ पे, यहाँ पे ग्राउंड भी है। और फ्रेंड्स इस जगह पर बहुत ही कम लोग आते हैं, मतलब अभी हाँ मतलब इस जगह के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, टूरिस्ट वगैरह आते हैं तुमको इतना पता नहीं अभी इस चीज़ इस जगह के बारे में, क्योंकि वो नीचे ही लेते रूम्स वगैरह और नीचे मार्केट वगैरह मेन है और यहाँ पे सड़क थोड़ा कंजस्टेड होता हूँ, आने में प्रॉब्लम होता होगा तो। लेकिन यहाँ पे अब सड़क वगैरह बन गया प्रॉपर, तो और जैसे आप देखोगे वहाँ पे तो काफ़ी बड़े बड़े होटल्स बने हैं और काम भी चला है ऊपर गए, ये सारे के सारे होटल ही हैं यहाँ पे। वो लोकेशन देखोगे तो एकदम ब्यूटीफुल, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है बहुत ज़्यादा सुंदर। ये पार सड़क बन रही बन गई है यहाँ पे, और अभी कुछ टाइम में और अच्छी से बन जाएगी इस तरह से। ये है पास पिंक हाउस, ये है लोकेशन बहुत बढ़िया। ये है भागसू नीचे, हम तो भागसू से काफ़ी ऊपर आ गए हैं। इस जगह का नाम भाई पिंक हाउस है ना। तो देख रहा पर होटल कितना, काफ़ी बड़ा होटल है, आई थिंक 5 मंजिल होटल होगा ये। वो पिंक हाउस, वो वहाँ पे शायद फोनर्स जा रहे हैं। देखो डाल जरा, नहीं जाएगा, नहीं डालेगा, बड़ा टाइट है हेलमेट। देखिए फ्रेंड्स ऐसे हिल एरिया में बाइक को ऐसे मतलब बंदा बैठा कर तो चलता है, बट ऐसे कभी कभी ऐसा कुछ आ जाता है सामने की, मतलब ऐसे धक्का देकर बाइक को निकालना पड़ता है। देखिए अब कैसे मेरा फ्रेंड जो है निकाल रहा है, चलिए अब निकल गई है बाइक, अब चलते हैं आगे मिलते हैं। तो गाइस देखिए सारा जो है वो हिल एरिया है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, यहाँ पे देखिए लोग कितने दूर दूर बसे हुए हैं। देखिए देखिए ऐसे ऐसे रोडों से बाइक निकालनी पड़ती है, यहाँ पे बिल्कुल सेफ चलिए। अरे कुछ स्पेशल देखिए आप, क्या आप सवारी करना चाहेंगे इनकी, नहीं फ्रेंड्स ये है याक और वो गुस्से से देख रहा है, अबे पेल नंबर देता। ओके इट लुक्स प्रीटी गुड, या फ्रेंड्स मेरे को ना वो जो खड़ा है ना वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है, ये तो गलत है।
घूम सकते हैं। कहाँ पे? हाँ यार बड़ा मज़ा आएगा। मज़ा तो आएगा, मज़ा तो बहुत आएगा। अंदर जाना, अंदर जाना। फ्रेंड्स सामने भालू है, लेट्स गो। पहले हम चलेंगे भालू के पास, पहले तो मेरे को मिलना है अपने भालू भाई से। ओहो पांडा भाई कैसे हैं आप? अनिल देख भालू खड़ा है यहाँ पे। मेरा भाई ठीक है या ब्रो? ओ अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, थोड़ा गुस्से में लग रहा है। ये देखिए इसका फेस कितने गुस्से में एकदम बस अटैक करने वाला है। फ्रेंड्स ये है हमारा भालू। रिकॉर्डिंग हो रहा है? ओके तो फ्रेंड्स ये है भालू, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ा है। जंगल में भालू रहते हैं शायद। हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे भालू होते हैं बहुत ज़्यादा इस एरिया में। अभी हाल ही में ना जो धर्मकोट नहीं है, मैक्लो सुपर धर्मकोट, वहाँ पे एक लेडी पे भालू ने अटैक किया था, उसका जो सर सुर सिर सुर हाँ सिर सुर खा लिया था, सिर फाड़ दिया। हाँ हाँ वही ना। ओ माय गॉड, मतलब यू नो अजगर और ये लेपर्ड वो इसलिए क्योंकि हाँ ये तो मैंने अभी देखा, अजगर है और ये है लेपर्ड, वो इसलिए दिखाया गया यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ओके इसलिए आप आ रहे हैं हिमाचल घूमने धर्मशाला, आइए मोस्ट वेलकम, बट थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा ये लकड़ी का पुल बना हुआ यहाँ पे, आई थिंक अभी यहाँ पे ये ओपन नहीं है। यहाँ से ये रास्ता है तो है कहाँ पे? इन कारों में, इनमें कहाँ से करंट आ गया? कल तो अभी हम जा रहे हैं वापस, ठीक है। ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है या अभी बन रहा है? ये बना नहीं है अभी, काम चला हुआ है। हाँ काफी कुछ देखने को मिल गया वैसे। हाँ मैं तो काफी टाइम बाद आया यार मैक्लो, हमें तो देखने को मिला, साथ में हमारी YouTube फैमिली को मिला देखने को। हाँ क्या बोलते हो? तो फ्रेंड्स आपको ऐसे ऐसी यू नो अच्छे सी वीडियोस और अच्छे सी प्लेसेस देखना चाहते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से वीडियोस लेके आते हैं, बहुत अच्छे से कंटेंट्स। सो लेट्स गो। आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और फ्रेंड्स अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं आगे।